नमस्कार, मैं रितिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शहर में कहीं निकला शौर्य दिवस तो कहीं मना मातम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी किए जाने के विरोध में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। और सकरा थाना क्षेत्र के दरधा मोहम्मदपुर गांव के सड़क किनारे गांव के ही एक व्यक्ति का मिला शव। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। पूर्वांचल राज्य संगठन द्वारा बाबरी विध्वंस पर शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। रविवार को गरीब स्थान मंदिर के सभागार में पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के बिहार प्रदेश प्रकोष्ठ द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को आज के दिन ही बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, जिसे हिंदूवासी संगठन शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दौरान जिले के एक कार सेवक संजय कुमार की मौत उत्तर प्रदेश पुलिस की गोलीबारी में हो गई थी, जिसे हिंदू महासभा के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। महासभा के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर ने बताया कि हर वर्ष की भांति पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के सदस्य 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो एक कलंक का ढांचा बाबर ने खड़ा किया था, उसको विध्वंस किया गया था हम सबों के द्वारा। इसलिए ये गर्व का दिवस है और इसे हम पूरे देश में और पूरी दुनिया में हिंदू समाज शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। और आज उसी शौर्य दिवस का यहाँ पर आयोजन पूर्वांचल राज्य हिंदू महासभा के प्रदेश इकाई के द्वारा हुआ है। और दूसरा एक विशेष अवसर ये है कि अयोध्या आंदोलन के क्रम में सैकड़ों कार सेवक बलिदान हुए, जिसमें पूरे बिहार के एकमात्र कार सेवक मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के साइन गांव के संजय कुमार जी भी बलिदान हुए थे। तो उनकी स्मृति को ये समर्पित है, उनका आज पुण्य स्मरण भी हम सभी कर रहे हैं। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वह राम जी का जन्मभूमि है और राम जी की जन्मभूमि पर वहां पर मंदिर बनना चाहिए। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मोदी सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और जो लोग हैदराबाद और कहीं और बैठ के ये कहते हैं कि नहीं, हम तो अगर वो ढांचा वहां पर मंदिर का खड़ा होगा तो गिराएंगे, उनको चुनौती भी देते हैं कि जो हमें कहते हैं कि ये उग्र हिंदू हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस सभा के माध्यम से कि जिस हिंदू के नाम पे तूने इतना है कोहराम मचाया, लगता है कि बाप तुम्हारा लंदन और ईरान से आया। अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। और साथ ही हम ओवैसी नाम का जो प्राणी है जो कहता है कि ढांचा तोड़ देंगे, उनको ये चुनौती देना चाहता हूँ मोदफलपुर की इस भूमि से कि जो मांगेगा बाबरी उसकी होगी आखिरी। इस चुनौती के साथ, संकल्प के साथ आज इस आयोजन को हमने किया है और आज हम बड़े गौरवान्वित हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है और संजय कुमार जैसे बलिदानियों का ये सपना पूरा हो रहा है। इसलिए अब पतझर का समय समाप्त होने वाला है, अब धरती पे सितारे बिखरने वाले हैं। धरती पे सितारों की गजल लिखनी है, पतझर में बहारों की गजल लिखनी है, राम भक्तों की कलम से हर दिल पर शहीद संजय के इरादों की गजल लिखनी है। जिला माली के सदस्यों ने बाबरी विध्वंस को लेकर शहर में संविधान बचाओ देश बचाओ प्रतिवाद मार्च निकाला। बाबरी विध्वंस की बरसी पर भाकपा माले के हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय से संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाली। भाकपा माले के कार्यालय सचिव सकल ठाकुर का कहना था कि संविधान निर्माता बाबा साहेब को निर्माण दिवस पर संविधान को ताक पर रखकर देश में बाबरी मस्जिद का टूटना एक बेहद दुख की बात है। इसी के विरोध में आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। आज 6 दिसंबर है और बाबरी मस्जिद
और संविधान का ध्वंस किया गया था, आज डॉक्टर अंबेडकर का पुण्यतिथि भी है, इसीलिए आज 1:30 बजे हम लोग यहाँ से संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला गया है। सकरा थाना क्षेत्र के दरधा मोहम्मदपुर गांव स्थित सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में हत्या की गई है। शनिवार की देर शाम सकरा थाना क्षेत्र के दरधा मोहम्मदपुर गांव के समीप सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक व्यक्ति की पहचान गांव के ही गणेश कुमार के रूप में की गई है। मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। जानकारी के अनुसार गाँव के ही एक जमीनी विवाद जो कि ब्रजेश कुमार सिंह व गिरिधर कुमार सिंह के बीच चल रहा था, उसी जमीनी विवाद में मृतक गणेश गिरिधर कुमार की ओर से दी गई थी। वही शनिवार की शाम अचानक सड़क किनारे सब मिलने से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही ब्रजेश कुमार सिंह पर लगाते हुए बताया कि कल दोपहर वह घर से निकला था और कुछ ही घंटों बाद गांव के ही तीसरे लचके के पास से शव बरामद किया गया। हम तो मुजफ्फरपुर में रहते, मेरा भाई घर पे था, क्या हुआ सो तो हमको कुछ पता नहीं, बस आया यहाँ पर मोरल मुंह देखे। क्या लग रहा है आप लोगों को घटना के पीछे रीजन क्या हो सकता है? उसका मुंह से गांव निकल रहा है, उसका जहर देके मार दिया है। कौन लोग हो सकता है? अब लोग का नाम हम देखे ही नहीं, क्या पता, हमको तो वहाँ जाते भी नहीं थे जाते। बुआ किसका नाम बताए हम बुआ, पहले से किसी से उस टाइप का विवाद वगैरह चल रहा था? वो जमीनी विवाद के चलते मेरा भाई गया था, गवाही दिया जमीन के चलते, जिसके वजह से के मारा पता नहीं कहाँ गया। किससे जमीन का विवाद वगैरह चल रहा था? मेरा भतीजा है, उसी का जमीन उसका बड़का भाई बेच लिया किसी से, अब बेच लिया इसीलिए उसके पापा जो है से बता है, गुंगा है, नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा भाई उसके साथ ही गया था, जाके थाना में स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ मेरी भाभी और भाई भतीजा है इसका जमीन बेच लिया, कौन लिखवाया कहाँ लिखवाया सब कुछ नहीं जानते। हमारे आपसी जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें हम थाना भी गए थे, वहाँ आवेदन दिए, आवेदन में ये गणेश कुमार हमारे चाचा हुए, हम उनके भतीजा हैं, तो वो हमारे आवेदन में गवाह बने थे, हमारे साथ थे, इसलिए उनको ज़बरदस्ती कल करीब 2 बजे, हाँ 2 बजे उठा लिया चौक से और फिर वहाँ दारू वारू पिलाया, शायद उनके सगी संबंधी भी थे वहाँ, जैसे दोस्त वोस्त हैं उनके, करीबी दोस्त हैं वो लोग भी उसमें शामिल थे, उनको दारू वारू पिलाया शायद, उसमें जहर मिलाया या फिर उनको कोई इंजेक्शन दिया, जहरीला इंजेक्शन दे के और फिर मार के और फेंक दिया। इसमें ब्रजेश कुमार जिससे हमारा जमीनी विवाद चल रहा था, उसी का कार था, उसी कार के डिक्की से इनको निकाल के इनका लाश फेंक दिया गया। हम लोग दौड़े लाश के पास, जब तक दौड़ते वहाँ पहुँचते अलग करते तब तक गाड़ी निकल चुका था वहाँ से, उनका नब्स तो चल रहा था, तब तक जिंदा थे, लेकिन उनको जब तक हम लोग वहाँ से लाद के लाते मुसहरी में एक है हॉस्पिटल, वहाँ लाते लाते तब तक वहाँ आके डॉक्टर जवाब दे दिया। और जिला प्रशासन द्वारा चुनाव में कराए गए कार्य का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दर्जनों मजदूरों ने निगम कार्यालय में घंटों हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव में मजदूरों द्वारा कराए गए काम का अब भी कुछ मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर रविवार को दर्जनों मजदूरों ने नगर निगम में हंगामा किया। महिलाओं का आरोप था कि किसी से 13 दिन तो किसी से 15 दिन काम कराया गया था। काफी हंगामा के बाद कुछ लोगों का भुगतान किया गया, जबकि अभी भी दर्जनों लोगों का भुगतान नहीं किया गया है। ब्रह्मपुरा निवासी मुनि देवी ने बताया, निगम प्रशासन द्वारा जो भी कागजात बोला गया था वह जमा कर दिए हैं, फिर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ अब पेपर हमारे बेटा में चारों पेपर लगा दिए है, तब हमको कह रहा है कि बोलू आपको पैसा नहीं आया है, 12 दिन काम किया है, 1200 रुपया हमको दे रहा है, बोलो पैसा नहीं है। बेटा हमको काम किया है 13 दिन तो 1 रुपया नहीं दे रहा है, इसको नामे नहीं है। कितने रोड पे बात हुई थी? 287 काम किए थे 12 दिन। कितना पैसा होना चाहिए? ऐसे तो हमको ग्रुप में मिला है 3444 रुपया, 3444 रुपया मिला है ग्रुप में। मिलना चाहिए, मिला है उसको। अच्छा। हमको नहीं मिला है को पैसा अभी, आज जबरदस्ती साइन भी हमको से करवा लिया। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कह रहा है कि 5 दिन के पैसा मिलेगा, साइन करवा लिया है, पैसा आगे क्या करेगा, पूरा पैसा देगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वही मामले में नगर निगम के सिटी
रिव्यू मैनेजर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे जैसे इन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है वैसे वैसे भुगतान किया जा रहा है। कुछ लोगों का भुगतान नहीं किया गया है जिसकी जानकारी सही नहीं मिल पाई है, उनका पेपर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। नहीं, इन लोग का तो मामला है, आज तो पेमेंट हुआ है, 2-3 दिन से पेमेंट भी हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 13 दिन काम किए थे और सदर हॉस्पिटल से पेमेंट होना था, वहाँ से अटेंडेंस जो आया है उसमें से किसी का 9 दिन का, किसी का 6 दिन का पेमेंट होकर के आया है, इस कारण ये लोग थोड़ा सा परेशान हो रही है। ये लोग बिहार विधानसभा में कोविड कोषांग का वहाँ पर जो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह पैकिंग का काम किए थे। हाँ, उतना लोग का पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैनुअल में जो हम लोग अटेंडेंस जो वहाँ पर मैनुअल जो हुआ था, मैनुअल में जो अटेंडेंस बनाया था वो सदर हॉस्पिटल को दे दिया गया था, लेकिन वहाँ से जो एक्सेल शीट बनकर आया और जो पेमेंट का जो बैलेंस आया है उसमें से किसी का 6 दिन का है, किसी का 5 दिन का है, किसी का 13 दिन का पैसा है, उसी अनुसार से हम लोग पैसा यहाँ दे रहे हैं। हाँ, वो जो लोग पेमेंट नहीं ले रहे हैं उन लोग का हम लोग मैनुअल से फिर जो वहाँ से सदर अस्पताल से जो लिस्ट आया है और हमारे पास जो मैनुअल है उससे मिलान करते हैं और मिलान करने के बाद फिर हम लोग उनके यहाँ डिमांड करेंगे और डिमांड करने के पश्चात वहाँ से जब पैसा आ जाएगा तो फिर हम लोग इन लोग को देंगे। अयोध्या थाना क्षेत्र के दादर मोहल्ले से 25 दिनों से गायब 2 युवक का पता नहीं चल पाया है, परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। अयोध्या थाना क्षेत्र के दादर मोहल्ले से विजय सैनी के पुत्र संतोष कुमार व बिट्टू भगत पिछले 16 नवंबर से गायब चल रहा है। जानकारी के अनुसार संतोष कुमार अपने दोस्त बिट्टू के साथ 16 नवंबर को घर से अपाची बाइक लेकर सामान लाने के लिए बाजार निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की थी। नहीं कुछ पता चलने पर परिजनों ने अयोध्या थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई है। गायब संतोष की मां ने बताया कि शिकायत करने के बाद वह कई बार थाना जा चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा खोजबीन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बच्चे को ढूंढ देने की आग्रह की। जैसे गोधन के दिन 7 बजे शाम के 8 आदमी से ओकरा साथे खैलक पीलक, 8 आदमी में 2 आदमी गायब है, एने 6 आदमी घर पर है। तो वो आदमी से पूछ रहे हैं जो हमार बच्चा कहाँ गया, तो बोलू हम नहीं जानते हैं बैरिया, यहाँ पुलिस लाइन चौक पर से जा रहे हैं। 2 गो बच्चा है। कौन कौन बच्चा है? एगो हम 2 गो के नाम जानते हैं, एगो 3 गो के, एगो है मिथिलेश, है मिथिलेश कुमार, एगो राजगीर है, एगो राजा है, 3 गो के नाम जानते हैं। इधर बच्चा क्या लग रहा है बच्चा को? बच्चा वो हमार भगने है, जो है ना से हमार चचेरी भगना है, एगो देवर है, ओका साथे है। पुलिस को शिकायत हो रखी है? पुलिस के अभी हम थाने में दिए हैं, लेकिन और हम कुछ नहीं किए हैं। कब दिए हैं? दिए हैं पारण के बिहान होकर। क्या कह रहा है थाना? क्या कह रहा है? बोल रहा है बोलू हम खोज रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ पता नहीं है, कहाँ से पता नहीं लग रहा है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ JDU शिक्षक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने जुलूस निकाला। रविवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल से JDU शिक्षक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राजद नेता द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बताया कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव द्वारा सूबे के मुखिया के विषय में जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उसके लिए उन्हें तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। यह प्रतिवाद मार्च जिले के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरायगंज टावर चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर की, उसका जनता दल यूनाइटेड इसकी भर्त्सना करता है, और जनता दल यूनाइटेड के विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। पिछले दिनों युवा जिला जनता दल यू युवा प्रकोष्ठ के लोगों ने पुतला दहन किया है। आज जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा तेजस्वी यादव की उस टिप्पणी का विरोध और करके प्रतिवाद मार्च निकालने का काम कर रहा है, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक गौरव प्रदान किया है अपने काम के बल पर। पूरे बिहार के लोग आज जहाँ कहीं भी हैं वो गौरवान्वित महसूस करते हैं बिहार का नाम लेके। पहले बिहार का नाम लेके शर्माते थे, आज गौरवान्वित हो रहे हैं। उस बिहार को फिर से उसी गर्त में धकेलने का प्रयास कर रहा है सामाजिक
तनाव पैदा करना चाहता है इस तरह की टिप्पणी करके और बिहार को फिर शर्मसार करना चाहता है। जनता दल यूनाइटेड इसका घोर प्रतिवाद करता है, घोर विरोध करता है और जनता दल यूनाइटेड के जितने प्रकोष्ठ हैं सभी के लोग इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की महानिर्माण तिथि 6 दिसंबर 1956 की याद में शहर में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा रविवार को शोक सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अपनी अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाई जा रही है। हम लोग इनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और यह संकल्प लिए हैं कि आपके बताए गए मार्ग एवं आपके द्वारा दी गई इस सुंदर से लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा हेतु हम सभी संकल्पित हैं। आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं, सरकार एक अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस किसान और मजदूरों के साथ व्यवहार कर रही है, उनपे पानी की बौछारें की जा रही है, गोलियां चलवाई जा रही हैं, आंसू गैस के और बहुत प्रकार की ज्यादती की जा रही है। हम जल्द ही बिहार के भी किसान अपनी खेतियों से फुर्सत पा चुके हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम सभी आज इनके संविधान दिवस के रूप में, संविधान रक्षा दिवस के रूप में इसे मनाने का कार्य किए हैं। वहीं जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा शोक सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाया और उनके बताए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। आज ही के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। वो डायबिटीज से पीड़ित रहा करते थे और उस रात वो सोए तो सो ही रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिषी योद्धा, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक व्यक्तित्व के महापुरुष थे। उनकी अध्यक्षता में भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। आज उसी संविधान के बदौलत देश आज इतनी प्रगति की राह पे चल रहा है और देश एक सबल देश के रूप में आज भारत जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो एक नीचे तबके के जो एक लोग थे, उनके आज उत्थान के लिए उन्हीं का एक योगदान है जो आज समाज में एक विशिष्ट स्थान पर उस वर्ग को ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। वहीं एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्लम बस्ती में भी बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाई गई। मंच के सदस्यों ने उनकी तस्वीर पर अपनी श्रद्धा सुमन पुष्प चढ़ाकर अर्पित की। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 64वीं पुण्यतिथि यानी महापरिणाम दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हुआ था। बाबा साहब ने संविधान में समता और समानता का अधिकार नियम लागू किया, जिसमें किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय एवं लिंग के आधार पर किसी भी समाज के लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी समाज के लोग, चाहे वो मजदूर वर्ग क्यों ना हो, एक छोटे पद से लेके और राष्ट्रपति बनने तक यह नियम संविधान में लागू किया गया। बाबा साहब ने शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यानी कि जब पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर संगठित होगा और तब जाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरणालय परिसर में मूल निवासी जागरण मंच के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। समरणालय परिसर में मूल निवासी
जागरण मंच के सदस्यों ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय अनशन किया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। मंच ने मुख्य रूप से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने, वैलिड पेपर द्वारा चुनाव करने और मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। मांगे नहीं पूरी किए जाने पर आंदोलन को तेज करने की बात इन्होंने की है। आज मूल निवासी जागरण मंच के द्वारा 6 दिसंबर 2020 को हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। पहला मांगे है कि बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हो। दूसरा मांग है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना। तीसरा मांग है एक समान शिक्षा नीति लागू कराना। चौथा मांग है सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से रोजगार देना और पेंशन देना। पाँचवीं मांग है सरकारी और निजी क्षेत्रों में 100% रिजर्वेशन देना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सभी आदमी को रिजर्वेशन दिया जाए। और हमारी छठी मांग है मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराना। इन मांगों को लेकर मैं ये मेरा दूसरा धरना है, दूसरा अनशन है, कार्यक्रम है। पिछले 29 तारीख को भी, 29 नवंबर 2020 को भी हमने दिया था और जब तक ये नहीं मांगे मानी जाती है तब तक हमारी ये अनशन कार्यक्रम जारी रहेगा। लोहार महाकल्याण के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समरणालय में बैठक की। रविवार को समरणालय स्थित धरना स्थल पर लोहार कल्याण महासभा के सदस्यों ने अपनी भिन्न मांगों को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष भोला ठाकुर ने बताया कि अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की घोषणा करने के साथ ही जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के मुकदमों पर अविलंब कार्रवाई सहित कई मामलों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आज लोहार कल्याण महासभा की जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें हम लोगों को बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया है और पंचायत चुनाव जो 2021 में होने वाला है उसमें हम लोग आज बैठक करके सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी अनुसूचित जनजाति को आरक्षित सीट मुहैया किया जाए। पंचायत जिला परिषद क्षेत्र संख्या पंचायत क्षेत्र में और तमाम वार्ड से लेकर और सरपंच तक का जो भी आरक्षित सीट घोषित किया जाए ताकि अनुसूचित जनजाति का वहां लाभ मिल सके, वहां प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए आज बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे और उसके बाद में सरकार से हम मांग करेंगे कि अविलंब हमको अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट घोषित किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।